हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th का अलजेब्रा का सेकंड टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.4 सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 2.3 हमारे सिलेबस में नहीं है, इस साल के एग्ज़ाम में प्रैक्टिस सेट 2.3 से कोई भी सवाल नहीं आने वाला, तो इसलिए हम वो एक्सरसाइज नहीं पढ़ने वाले। तो हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 2.4 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वहाँ से हमको ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी जनरल फॉर्म मीन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे हम जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर होता है उसके साथ ए होता है और एक्स के साथ बी होता है, और जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है उसे हम सी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे मीन्स वो वन होता है, मीन्स ए का वैल्यू हमारे यहाँ पे वन है, और एक्स के साथ माइनस सेवन है, तो बी इज इक्वल टू माइनस सेवन एंड सी इज इक्वल टू फाइव। तो इस तरह से हमको ए बी एंड सी फाइंड आउट करना है। एग्जाम में वन मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। सेकेंड क्वेश्चन है टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव एम माइनस फाइव। तो फर्स्ट हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, टू एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दे ए इज इक्वल टू टू एंड बी इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड सी इज इक्वल टू फाइव। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि माइनस टू जो है वो ए का वैल्यू है और माइनस फाइव वो बी का वैल्यू है और सी का वैल्यू यहाँ पे प्लस फाइव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन वाई। तो इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ए का वैल्यू वन है, बी का वैल्यू माइनस सेवन है और कॉन्स्टेंट का वैल्यू हमारा जीरो है। अगर हमें कॉन्स्टेंट नहीं दिया तो वहाँ पे हमको जीरो रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, सॉल्व यूजिंग फार्मूला। यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अभी फार्मूला मेथड में हमको फर्स्ट क्या करना होता है, जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट कन्वर्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। देन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, फिर इसको हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करना है। तो ए का वैल्यू हमारा वन है, बी का वैल्यू हमारा सिक्स है एंड सी का वैल्यू हमारा फाइव है। आफ्टर दैट बी फाइंड आउट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। नेक्स्ट स्टेप में हमको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमको बी का वैल्यू पुट करना है, फिर ए का वैल्यू पुट करना है और सी का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे हमारा बी का जो वैल्यू है वो सिक्स है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर मीन्स सिक्स दी होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू फाइव। तो सिक्स का जो स्क्वायर होता है वो 36 होता है, देन फाइव को फोर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20। तो 36 में से जब 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आता है 16, मीन्स हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू 16 है। नेक्स्ट हम फार्मूला यूज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये हमारा फार्मूला है, ये फार्मूले को बाहर रखना है हमेशा। अब इस फार्मूले में हमको बी का वैल्यू पुट करना है, तो बी का वैल्यू हमारा माइनस सिक्स है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16। अभी हमने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू फाइंड आउट किया तो 16 वो पुट करेंगे, फिर 2 इंटू 1 क्योंकि ए का वैल्यू हमारा 1 है। देन एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस माइनस, अभी अंडर रूट ऑफ 16 का जो स्क्वायर रूट होता है 4 आता है अपॉन 2। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, प्लस एंड माइनस 4 को सेपरेट करना है। एक बार हमको प्लस 4 रखना है, सेकेंड टाइम हमको माइनस 4 रखना है। तो फर्स्ट हम प्लस 4 रखेंगे, यहाँ पे हमने प्लस 4 रखा हुआ है, यहाँ पे हमने माइनस 4 रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे दो आंसर निकलेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस फोर अपॉन टू और x इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस फोर अपॉन टू। अभी माइनस सिक्स प्लस फोर एक दोनों अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सिक्स माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस टू अपॉन टू, तो यहाँ पे फाइनल आंसर माइनस वन आता है। और x इज इक्वल टू माइनस टेन, अभी माइनस सिक्स और माइनस फोर दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस टेन आता है, उसको जब टू से डिवाइड करेंगे तो माइनस फाइव। देन फाइनली आंसर माइनस वन एंड माइनस फाइव आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमको फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है।
अभी सेम यही मेथड से हमको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो हमको फर्स्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, देन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए का वैल्यू वन है, बी का वैल्यू माइनस थ्री है, सी का वैल्यू माइनस टू। देन फाइंड आउट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस थ्री दी होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू इन ब्रैकेट माइनस टू, क्योंकि जो भी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसको हमेशा ब्रैकेट में रखना होता है। तो माइनस थ्री का जो स्क्वायर होगा वो प्लस नाइन आएगा, एंड माइनस फोर को जब हम माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस गेट प्लस, देन प्लस एट, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 17 आंसर आता है। देन हम फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। यहाँ पे माइनस का जो साइन है वो फर्स्ट वैसे ही रहेगा और बी का जो वैल्यू है माइनस थ्री है। तो माइनस इन ब्रैकेट माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17 अपॉन टू इंटू वन, देन माइनस माइनस गेट प्लस, तो प्लस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो वैसे ही रहेगा अपॉन टू। अब यहाँ पे हम प्लस रूट 17 एंड माइनस रूट 17 को सेपरेट करेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस अंडर रूट ऑफ 17 अपॉन टू और एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस अंडर रूट ऑफ 17 अपॉन टू। तो यहाँ पे हमने फाइनली आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। सेम ये मेथड से इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे हम फर्स्ट कंपेयर करेंगे, वहाँ से हम a b एंड c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन हम फॉर्मूला यूज करेंगे m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 88 है, तो उसका जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 4 × 22, तो 4 जो है वो रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा और अंडर रूट ऑफ 22 ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस टू प्लस माइनस टू, यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे तो 2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा और माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 22 अपॉन 6। अभी 2 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो नीचे आएगा 3, तो फाइनल आंसर होगा माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ 22 अपॉन 3 और माइनस वन माइनस रूट 22 अपॉन 3। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम ये मेथड से सॉल्व करना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालेंगे, फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप देख सकते यहां पे सॉल्व करके दिखाया गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे, यहाँ पे अपॉन में वैल्यू दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री वाई इज इक्वल टू टू। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो थ्री है वो डिनोमीटर में, तो उसको वहाँ से हटाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल जो हमारे टर्म्स है थ्री टर्म्स है, तीनों को हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग थ्री ऑन बोथ साइड्स, तो थ्री वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री वाई इंटू थ्री इज इक्वल टू टू इंटू थ्री। तो थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स। तो इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन ए इज इक्वल टू थ्री, बी इज इक्वल टू वन एंड सी इज इक्वल टू माइनस सिक्स। नेक्स्ट हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आता है 73। देन हम फॉर्मूला यूज करेंगे और फाइनल वैल्यू जो हमारा है वो फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो यूजिंग द फॉर्मूला। मीन्स हमारा क्वेश्चन इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमको एक्टिविटी बेस्ड समय है, हमको यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया कि क्या क्या करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, फाइंड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में write the formula to solve quadratic equation and finally substitute the values of a b c and find roots. So start karte hain. Step number 1, comparing ax square plus 2 root 3x plus 3 is equal to 0 with ax square plus bx plus c is equal to 0. तो जब कंपेयर करने के बाद हमें क्यों यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू टू रूट थ्री एंड सी इज इक्वल टू थ्री। स्टेप नंबर टू में हमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड आउट करना है, तो टू रूट थ्री दी होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू थ्री, देन टू रूट थ्री दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू थ्री माइनस ट्वेल्व, देन जीरो। फाइनल आंसर इसका आता है जीरो। स्टेप नंबर थर्ड, फॉर्मूला यूज करना है हमें, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। नेक्स्ट स्टेप नंबर फोर, अब यहाँ पे हमको वैल्यूज पुट अप करने हैं, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू रूट थ्री प्लस माइनस जीरो
अपॉन 2 इंटू 1, देन फाइनली आंसर है हमारा -2√3/2 = -√3। द वैल्यूज ऑफ b² - 4ac = 0, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे जो रूट्स हमारे हैं वो रियल है इक्वल है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर है -√3 एंड -√3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है।